और आज हलवाई को हम लोग कैंसिल कर दिए अपने। ना खाए थे उतना पूरा निकाल दिए बोल के। आओ तो थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ। निकला हुआ है लाल लाल लाल। अरे दे अपने पास से डाल देगा ना जितना डालना है। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज चिकन बन रहा है और चिकन सौरभ बना रहा है और आज हलवाई को हम लोग कैंसिल कर दिए हैं अपने बर्थडे में चिकन बनाने के लिए। सौरभ बोला कि मैं चिकन बनाऊंगा भैया और हलवाई से बहुत ही अच्छा जाता भाई, तो हम लोग सोचे कि बिल्कुल बिल्कुल भाई आज तुम ही बनाओगे। और ये देख रहे हैं चिकन की सारी सामग्री है और बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी चिकन बनने वाला है। हेलो गाइस, तो जैसा कि आज 25 तारीख है और हमारे भैया का बर्थडे है, तो आज का जो ब्लॉग है वो चिकन बनते समय का दिखेगा और हम लोग ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो आज सभी फैमिली लोग सब फैमिली मेम्बर में सभी लोग आए हैं, दीदी जीजा आए हैं और भैया का बर्थडे भी है, तो आज हम लोग चिकन बनाते हैं और आज बर्थडे के दिन तो चिकन बन रहा है और बहुत ही टेस्टी बन रहा है। भैया ने हलवाई भी बुक किया था बट मैंने बोले यार मत हलवाई बुक करिए क्योंकि हलवाई से अच्छा तो भाई हम ही बना देते हैं। तो बाबू थोड़ा दिखा देना तो चिकन, अभी तो मैं प्याज को थोड़ा फ्राई कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए इस बर्थडे में 40 से 45 लोगों का व्यवस्था है, तो भैया आप देखो चिकन कैसा बनता है। ऐसे तो हम 1000 लोग का चिकन बनाए हैं, अगर वीडियो अब तक गया तो हमें बुला सकते हैं आप। तो देखिए विधि कैसा है, कैसे बन रहा है चिकन, एकदम देहाती विधि से बना रहे हैं हम। बस गोइठा नहीं है भैया, यहाँ पर गोइठा मिलता नहीं है मुगलसराय में, यहाँ गोइठा मिलता नहीं है, फ्लिपकार्ट से बहुत महंगा पड़ रहा था, तो इसी प्रणाम जीजा जी, तो इसीलिए हम लोग गैस पे जला के बना रहे हैं। और इधर लो, और हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य जो शर्मा रहे हैं वीडियो में। तो हाँ, देखिए चिकन तैयार हो गया है, अभी चिकन बन रहा है, खाएगा सब कोई फिर चल जाएगा। मेरी छोटी वो आई है, जा दिखा दो जी। जब केक कटेगा तो बुआ को दिखा देंगे। हाँ। अभी सब नाश्ता कर रहा है तो नहीं दिखा रहे, अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा। रिवाज नहीं है हमारे फैमिली में, नहीं तो दिखा देते। तो केक कटेगा मेरा सौरभ चाचा दिखाएंगे। आज के आगे क्या है, फिर उसके आगे कल होगा, कल स्कूल जाना है सबको, फिर अपने काम स्कूल में लग जाएगा सबको ही बस। हाँ। तो भैया और कुछ बोलोगे बेटा? नहीं अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, पेट भर गया इनका बोल के, जितना खाए थे उतना पूरा निकाल दिए हैं बोल के। केक का टाइम आएगा तो बताएंगे। हाँ अभी बताएंगे आपको, थोड़ा समय लगेगा, बताएंगे टाइम आएगा तो सब बताएंगे, टेंशन एकदम मत लीजिए। आधी मिर्चा लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल चुका हूँ, अब मैं इसे मिलाऊंगा आपका। अब दिखाई अपना चिकन पक रहा है गाइस, और बनाते बनाते यार भूख भी लग गया, तो अभी आया चूड़ा मटर नाश्ते में, बहुत ही ख़तरनाक बना है, मतलब बहुत तीखा बना हुआ है, ठंड में गर्मी आपको आ जाएगा खाने के बाद।
कुछ ज़्यादा ही तीखा हो गया एकदम। टेस्टी है भैया, और गरम मसाला भी ज़्यादा हो गया ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बर्थडे बॉय चिकन बना रहे हैं, और चिकन का कलर बहुत ही धांसू का यार, पूरा आप कलर देख के ऐसा लग रहा है भैया कि होटल का है ना। हाँ, अगर हम लोग भैया चिकन का वो खोल दें, क्या बोलते हैं, ढाबा, तो चलेगा बहुत तगड़ा। दिखा दे तो, वाह क्या बवाल लग रहा है भैया एकदम। भैया अब तो हम कह रहे हैं भैया ने उसको बंद कर दीजिए, जितने लोग वीडियो देखेंगे भैया ब्लॉग ना, बहुत लालच आएगा भैया, एक गलत काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। बंद कर दें, कितने लोग का बद्दुआ लेके आप बना रहे चिकन बताइए। जिसको खाना है वो ऑर्डर करेगा, होम डिलीवरी वाला सिस्टम उन लोग देखते हैं। ये तनु मेरी भांजी की तरफ से, और ये मेरा चुनुआ क्या है, ये भतीजा, इसकी तरफ से गिफ्ट चाहिए, छोटा पैक बड़ा धमाका। बहुत टेस्टी केक है। विक्की भाई क्या कहा है?